नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की नागल ब्लॉक इकाई के 27 मार्च को नागल में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाने को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के मंडलीय महामंत्री मुर्दा वसीम अहमद ने तैयारी का जायजा लिया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष व उत्तराखंड राज्य प्रभारी आलोक तनेजा और मंडल अध्यक्ष मनोज कश्यप के निर्देशानुसार समीक्षा बैठक में पहुंचे मंडलीय महामंत्री मुर्दा वसीम अहमद को नागल ब्लॉक इकाई के पदाधिकारियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मंडलीय महामंत्री बीजा वसीम अहमद ने नागल ब्लॉक इकाई की 27 मार्च को नागल में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने संगठन के मंडल अध्यक्ष मनोज कश्यप व जिला अध्यक्ष और उत्तराखंड राज्य प्रभारी आलोक तनेजा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समीक्षा बैठक में पर्यवेक्षक बनाकर भेजने पर जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वह उस पर खरा उतरकर आगामी शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाकर किया जाएगा। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे जिलाध्यक्ष और राज्य प्रभारी आलोक तनेजा जी, जिन्होंने सहारनपुर की पत्रकारिता में एक नई क्रांति, एक नई ऊर्जा का संचार किया और जिसे पत्रकार अपने एकता का परिचय दे भी रहे हैं। और आज नागल की इकाई में पहुंचकर ये मुझे जो एहसास हुआ है कि अब हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे एक मजबूत आधारशिला खड़ी है और हम अपने उद्देश्यों को, अपने मुद्दों को लेकर अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपने पत्रकार साथियों के अंदर एक नई ऊर्जा भरेंगे। जो हमारे पत्रकार साथी हैं, अगर किसी कारणवश पीड़ित थे या किसी अन्याय के शिकार हैं, हम करते ही अब उसको जो उनको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम अपने पत्रकार के लिए अपनी हर मुमकिन मेहनत करेंगे। अगर वो उसके लिए सच्चाई का मुद्दा है और वो हक की लड़ाई है तो हम उसे हटने वाले हैं। यहाँ की बधाई देता हूँ नगर निकाय को, जिन्होंने अपनी एकता को निर्णय लिया और वास्तव में बहुत ही शालीनता से आज की सभा का आयोजन किया और आने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो हमें निर्देश हुआ है हम उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो अच्छे से अच्छा उसमें चार चांद लगाए जाएंगे और अपनी पहचान समाज के सामने लाएंगे और आईना दिखाने का। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।